हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समीक्षास व्लॉग। जैसा कि ये मेरा जो वीडियो है मीन्स व्लॉग है, वो मेरा दूसरा व्लॉग है। और जो मैंने पहला व्लॉग बनाया था वो भोपाल एम्स पे बनाया था। उसमें मैंने आप लोगों को छोटी मोटी जानकारी दी थी, जैसे कि लोकेशन, रजिस्ट्रेशन क्या क्या था, मतलब कैसे होता है। तो अगर जिस किसी ने भी मेरा वो पहला व्लॉग देखा होगा, उनको पता होगा कि मैंने क्या क्या बताया था। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस मेरा पहला ब्लॉग देखे जा करके। और जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने कौन सी गलती करी थी। तो अगर आप लोगों को पता है कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग में कौन सी गलती करी थी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैंने कौन सी गलती करी थी। तो उस गलती को मैंने इस वीडियो में सुधारा है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज मैंने सोचा कि कुछ नया तरीके से ब्लॉग बनाया जाए। मतलब ब्लॉग तो वही रहेगा, पर कुछ डिफरेंट करने का सोचा मैंने। तो आप लोगों ने सोचा कि मैंने क्या डिफरेंट सोचा है। तो ये जो आइडिया है ना, वो मैंने पढ़ते पढ़ते निकाला है। तो पढ़ते पढ़ते मतलब पढ़ते पढ़ते यानी आप लोगों को लग रहा कि वो स्टडी से रिलेटेड है। बिल्कुल सही, स्टडी से ही रिलेटेड है। तो आज मैं फार्मेसी पढ़ रही थी। तो मेरे को लगा कि क्यों ना मैं जो पढ़ रही हूँ वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो उसके लिए मेरे को इस पर ब्लॉग बनाना पड़ा। तो इसमें मैंने आप लोग को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं वो मैंने देने की कोशिश करी है। तो फार्मेसी मैं इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि मैं DI का प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो उसमें कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है। फार्मेसी में आप लोगों को पता है कि कितने सब्जेक्ट होते हैं? टोटल 8 सेमेस्टर होता है। और फार्मेसी के 8 सेमेस्टर में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं आप लोगों को पता है? नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो उसमें मैं बता दूं आप लोगों को कि टोटल 48 सब्जेक्ट्स होते हैं फार्मेसी में। और DI में कितने आते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट जो है, टोटल 8 सब्जेक्ट आते हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो 8 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। वो जिसमें से सबसे मतलब मेरे लिए भी सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो हो जाता है जूरिस, मतलब फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फिर उसके बाद फिर फार्मास्यूटिक्स, फिर कोलोजी, कोग्नोजी, क्लिनिकल फार्मेसी, मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऐसी करके जो है सब्जेक्ट हैं सारे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनमें से कुछ, मैंने जो पढ़ा है कुछ क्वेश्चन बना करके आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि मैंने जब DI के लिए खुद ही YouTube पे सर्च किया था कि मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो बस उन्होंने बता के छोड़ दिया कि मतलब किससे क्वेश्चन आते हैं। उन्होंने क्वेश्चन वगैरह उतना कुछ बताया नहीं था कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने फिर खुद से सर्च किया, फिर मैंने बुक वगैरह देखा। तो मेरे को लगा कि मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए। तो मैंने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो टोटल 10 क्वेश्चन हैं। वैसे मैंने आप लोगों को इतना बता दिया, पर आप लोगों को पता है ना कि DI क्या होता है? ड्रग इंस्पेक्टर। DI मतलब ड्रग इंस्पेक्टर होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोग शेयर करूं। तो आप लोग को अगर जिस किसी को भी मतलब इसके बारे में, मतलब जो ये फार्मेसी कर रहा हो या किसी को इंटरेस्ट हो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो प्लीज आप लोग मेरा पूरा ब्लॉग देखें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है। और उसमें मैंने क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं। तो और हाँ, मतलब मैंने उसमें क्वेश्चंस आंसर टाइप के सेशंस रखा है। तो अगर जिस किसी को भी अगर आंसर पता होगा तो वो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताएं कि अगर आपको पता हो तो, कि मेरे आंसर बताने से पहले अगर आपको आंसर पता हो तो जरूर बताइएगा। तो उसके लिए पहले हम लोग को अब क्वेश्चन, हाँ एक और चीज मैंने बताना छोड़ दिया, मैं भूल गई उसमें, ये कि मैंने जो ये क्वेश्चन उठाए हैं ना वो फार्मास्यूटिक्स से है। मतलब जो 8 सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है उसमें से एक ये सब्जेक्ट भी इम्पोर्टेंट है, फार्मास्यूटिक्स। तो उस पर मैंने सोचा कि पहले मैं क्यों ना इसे सबसे शुरू करूं। तो मैंने सूटिक्स पे क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोग के लिए और मैं कैसा कैसा वीडियो ला सकती हूँ उस पर। तो गाइज अभी मैं आपको उतना नहीं जानती हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, तो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा जानने में। तो ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ऑल द फॉलोइंग आर टैबलेट हार्डनेस
टेस्टर्स एक्सेप्ट ऑप्शन ए फाइजर टेस्टर, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्गकॉप टेस्टर, ऑप्शन सी मोनसेंटो टेस्टर एंड लास्ट ऑप्शन डी बैरल टेस्टर। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी बैरल टेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेगमैन मैक्सिमाइजेशन टेस्ट इज फोर, ऑप्शन ए टैबलेट्स, ऑप्शन बी पैरेंटरल्स, ऑप्शन सी कैप्सूल्स एंड लास्ट ऑप्शन डी सेमी सॉलिड्स। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी सेमी सॉलिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर ऑफिशियल टेस्ट फॉर टैबलेट्स एक्सेप्ट ऑप्शन ए वेट वेरिएशन टेस्ट, ऑप्शन बी फ्रायबिलिटी टेस्ट, ऑप्शन डी हार्डनेस टेस्ट एंड लास्ट ऑप्शन डी थिकनेस। जिस किसी को भी अगर आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं, उसके लिए आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं। और इसका आंसर है ऑप्शन डी थिकनेस। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ फ्रायबिलेटर, ऑप्शन ए 25 RPM, ऑप्शन बी 50 RPM, ऑप्शन सी 75 RPM एंड लास्ट ऑप्शन डी 100 RPM। एंड द आंसर इज ऑप्शन ए 25 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, मटेरियल विच डज नॉट प्रोवाइड हाइड्रोफिलिक डिस्पर्शन इज, ऑप्शन ए एकेशिया, ऑप्शन बी पॉलीस्टाइरीन, ऑप्शन सी जेलेटिन एंड द लास्ट ऑप्शन डी HPMC। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पॉलीस्टाइरीन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर एंट्रिक कोटेड टैबलेट इज, ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 45 मिनट, ऑप्शन सी 1 आवर एंड द लास्ट ऑप्शन डी 2 आवर्स। एंड द आंसर इज ऑप्शन डी 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेस साइज इन टैबलेट डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस इज, ऑप्शन ए मेस 5, ऑप्शन बी मेस 10, ऑप्शन सी मेस 20 एंड ऑप्शन डी मेस 25। कम ऑन गाइस, जिसको इसका आंसर पता है वो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। एंड आंसर इज ऑप्शन बी मेस 10। और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेप्टेबल लॉस ऑफ वेट इन टैबलेट फ्रायबिलिटी टेस्ट इज, ऑप्शन ए 0 to 0.5%, ऑप्शन बी 0.5 to 1%, ऑप्शन सी 1 to 1.5% एंड लास्ट ऑप्शन डी 1.5 to 2%। और इसका आंसर है ऑप्शन बी 0.5 to 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्यूसी टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड फॉर ऑइंटमेंट्स, ऑप्शन ए 21-day कम्युलेटिव इरिटेशन स्टडी, ऑप्शन बी कोजेनी कार्मन टेस्ट, ऑप्शन सी मैक्सिमाइजेशन टेस्ट एंड द लास्ट ऑप्शन डी ड्रेज सोलानस्की इंसल्ट पैच टेस्ट। एंड द आंसर इज ऑप्शन बी कोजेनी कार्मन टेस्ट। तो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है, डिसॉल्यूशन टाइम ऑफ कन्वेंशनल कंप्रेस्ड टैबलेट USP/NF इज, ऑप्शन ए 60% डिसॉल्व्ड इन 45 मिनट, ऑप्शन बी 75% डिसॉल्व्ड इन 45 मिनट, ऑप्शन सी 90% डिसॉल्व्ड इन 45 मिनट एंड द लास्ट ऑप्शन डी 100% डिसॉल्व्ड इन
45 minutes. And the answer is option B, 75% dissolved in 45 minutes. तो गाइज ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस जिनको आपने स्क्रीन पर देखा होगा. तो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो बताइएगा कमेंट करके कि मैं और कौन से टॉपिक पे वीडियो ला सकती हूँ. और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा मेरे क्वेश्चंस का. तो अगर आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जो मेरे अपकमिंग वीडियोस होंगे वो आप तक इजीली पहुंच जाएं. तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय बाय.